सभी छात्रों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम विक्टर सेक्रेटरी के छात्रों की रिव्यू के बारे में बताएंगे। रिव्यू कितने प्रकार की होती है और उनकी भाग क्या क्या होती है। अब हम इसी प्रकार लिमिट जो होती है इसके तीन भाग होते हैं। कोई भी लिमिट हो उसके तीन भाग होते हैं। परंतु हेड के डिजाइन के अनुसार जो लिमिट है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है हेड के डिजाइन के अनुसार। तो हम यहाँ पर जो लिमिट हेड है उसके संरचना बनाते हैं। जैसे स्नेक हेड ये इसका इसी प्रकार बनाना है और इसके बाद इसके नीचे बना रहे हैं। Thank you.
कौन कौन से पार्ट
इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारे ड्राइंग है उसमें किस प्रकार की ड्राइंग बनाई गई है। तो मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करता हूँ, जो ये ड्राइंग आपको बनाई जा रही है इस ड्राइंग को आप ड्राइंग शीट में अवश्य बनाएं और इन्हीं नामों के स्प्लेंडर नाम के अनुसार आप जॉइंट जो होते हैं बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट। बट जॉइंट है उसमें आपके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिंगल रिवेट सिंगल डबल बट जॉइंट, डबल रिवेट डबल डबल बट जॉइंट, सिंगल रिवेट डबल डबल बट जॉइंट या जिग जैग टाइप के जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट सिंगल रिवेट लेफ्ट जॉइंट डबल रिवेट लेफ्ट जॉइंट आदि लेफ्ट जॉइंट के भी प्रकार होते हैं। तो सभी इन पे इनका ध्यान दें और इन्हें अच्छी तरह जो भी ड्राइंग आपको बनवाई जा रही है उसे बनाने का अभ्यास करते रहें। तो इन्हें बनाने के वक्त ये ध्यान रखें कि ये जो होता है इसको डी कहते हैं। और ये आप सभी जानते हैं डी का मान है जो टी थिकनेस मेटल थिकनेस पर डिपेंड करता है आप कितनी मोटी लगाएंगे। अब जो मेटल की साइज है उसको एक तो एमएम में दिया गया हो और एक सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो अलग अलग मान में अलग अलग रखा जाता है। जैसे टी थिकनेस है, टी का मतलब मोटाई, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डी का मान, जो लिक्विड की मोटाई है, जो व्यास है डायमीटर, वह डिपेंड करता है प्लेट की मोटाई पर। अब आप ये सभी जानते हैं कि डी जो निकालने का जो फार्मूला है हमारा डी का वह इस प्रकार है। डी जब टी का मान हमको एम एम में दिया गया हो, टी का मान एम एम में दिया गया हो, तब आप डी का मान निकालने का सिक्स अंडर रूट टी होगा। और जब टी का मान सेंटीमीटर में दिया गया हो तब डी का मान निकालने का 1.9 तो इन दोनों का समय पर डिपेंड करता है आप मेटल की मोटाई अनुसार डिबिट की मोटाई लेंगे। थिकनेस जितनी आप मेटल की थिकनेस होगी उतना ही आपको डिबिट के व्यास रखते हुए और इसे ड्रॉ करना है। तो मैं आप यही चाहता हूँ जो आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो ड्राइंग बनवाई जा रही है उन ड्राइंगों को आप ड्राइंग शीट में अवश्य बनाने की प्रैक्टिस करें, जिससे आप ड्राइंग शीट में अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आपको जो भी कोई समस्या है उसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करते हैं और आप व्हाट्सएप इसे अवश्य हल करने की कोशिश करें। तो आपको मैं पहले लिक्विड जॉइंट के बारे में बता चुका हूँ कि लिक्विड जॉइंट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट। तो बट जॉइंट में प्लेट दो या तीन से अधिक की आवश्यकता होती है, जबकि लेफ्ट जॉइंट में दो प्लेट की आवश्यकता होती है।
ये जो है इसकी ये थिकनेस इसे रखकर आते हैं 0.25 डिग्री। इसके बाद तो आप इन सभी पे आप जो भी इसका टाइटल ड्रॉ करें उस टाइटल को अच्छी तरीके से ड्राइंग शीट में बनाने का अभ्यास करें, जिससे इन्हें कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हुए और ड्रॉ करें। यदि आपसे कोई भी लिमिट बनवाई जाए तो आप ये जरूरी हेड के अनुसार लिमिट का नाम निर्धारित किया जाता है, जितना हेड होगा उतना ही आप लिमिट का तैयार। और जो कोई समस्या हो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य कमेंट करें, और व्हाट्सएप जो भी आप लोग इन कामों में आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक चाहिए प्रैक्टिस से ही, क्योंकि रिविट जॉइंट मशीन ड्राइंग है, इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता हो। जितने आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप रिविट को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। रिविट का जब ज्ञान होगा आपको थिकनेस और डायमीटर इसका ज्ञान अवश्य है, इन्हीं स्टैंडर्ड नाप अनुसार आप रिविट जॉइंट का ड्रॉ करेंगे। तो रिविट आपको रिविट जॉइंट और की आदि के बारे में कई चैप्टरों में टॉपिकों में बता चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से देखते हुए और इनके बारे में तो आपको इस कोरोना महामारी में आपका कोर्स अधूरा नहीं हो, और इसको पूर्ण करने के लिए आपको अलवर आई एस स्टाफ आपको निरंतर टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस टॉप बाय सिलेबस आपका कोर्स कराने का अभ्यास प्रयत्न कर रहा है। थैंक यू। और आप अधिक से अधिक वीडियो को ध्यान से देखें और अनुकरण सीखना डाउनलोड करें।